हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों आप सब? इंडियन फूड लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक स्मूदी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हमने जो रेसिपी बनाई है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन ई एंड विटामिन सी, और इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो है वेजीज एंड सम फ्रूट्स। तो बहुत इजीली आपके घर में अवेलेबल है और आप इजीली इसको बना सकते हैं, और ये हेल्दी तो बहुत ज्यादा है ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू। चलिए अब हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पहले हमने क्या क्या यूज किया। यहाँ मैंने मौसम्बी का पार्ट लिया है हाफ, कुछ मिंट लीव्स ली है, देन खीरा लिया है मैंने यहाँ पे, एक खीरा को कट किया है, रफली चॉप किया है, हाफ मैंगो लिया है, हाफ कीवी लिया है मैंने यहाँ, और ये मैंने कुकुम्बर लिया है, ये भी मैंने पूरा एक कंप्लीट कुकुम्बर लिया है, और नॉर्मल वाटर। ठीक है, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हमने यहाँ पे खीरा डाल दिया इसके अंदर। इसके बाद जो कुकुम्बर है वो, देन मैंगो, विटामिन सी है, और फिलहाल अभी कोरोना चल रहा है तो हमें हेल्दी बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्ट की ज्यादा जरूरत है, तो मैंगो बहुत ज्यादा हेल्दी है, मतलब हमें विटामिन सी जो है वो इनटेक करना चाहिए डे में ज्यादा से ज्यादा। और इसके बाद मैं यहाँ 3 से 4 कीवी के स्लाइसेस डाल रही हूँ, इसमें भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है और विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर मैं मिंट की लीव्स डाल रही हूँ, और लास्ट में जो है हमारी मौसम्बी को स्क्वीज कर रही हूं इसके अंदर, पूरा नहीं डालना है, स्क्वीज करना है जस्ट अच्छे से, दैट्स इट। अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और ये एकदम रेडी हो जाएगा। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डाल रहे हैं, देखिए हाफ डाला है मैंने जार भी, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थिक रखना है इसको, और ये एकदम रेडी है। चलिए गाइस, अभी इसको बाउल में डाल दिया मैंने, और अब मैं इसको थोड़ा प्लेटिंग कर लेती हूँ। और ये एकदम रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू।